नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मुझे जिस अखरोटों पे लात मारनी थी बहुत तेज लात लगी है वहां पे, ऐसे बिलबिला रहे हैं। दो दिन पहले ना मैंने इन भोसड़ी वालों के चेहरे पे पिशाब किया था और उसकी बौखलाहट, वाह, चरम सुख। शायद ही मुझे इतना सुकून, इतना सुंदर अनुभूति कभी हुई होगी। और मुझे बड़ा सुकून मिला भाई, लोगों ने तो बाजे गाजे के साथ स्वागत कर दिया मेरा। और सबसे बड़ा खूबसूरत तस्वीर ये था कि पूरे देश के मुसलमान हंस रहे थे इनके ऊपर। वो मुसलमान जिनको ये काटने की बातें कर रहे थे, वो बड़ा चाव लेके इनकी फोटोज देख रहे थे, वीडियोज देख रहे थे कि भाई क्या तबीयत से पेला है विनय दुबे ने इन कुत्तों को। मूंछ की धार देखी थी क्या? बह गए साले के साले, गाजियाबाद से दिल्ली पहुंच गए द्वारका। जिस तरह से इनके चेहरे में देख रहा था, इनकी वीडियोस आई हैं, सेम कॉपी, जो मैंने किया वही इन्होंने किया, सेम। मतलब ये साबित होता है, ये मुझे फॉलो करते हैं, ये साबित होता है कि ये लोगों के पास ऊपर खाली है, ये केवल दूसरों की नकल कर सकते हैं। अरे यार, मैंने कुछ क्रिएटिव किया, कुछ नया निकाला, तुम्हें उससे एक कदम ऊपर जाना था, तुम भोसड़ी के वही कॉपी कर लिए। और दूसरा, इनके चेहरे जरा देखिए, ये पहला भड़वा, इसका चेहरा देख रहे हैं, ये लोग हंसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से गांड जली हुई है। ये दूसरे वाले को देखिए, ये तो बेचारा बेमतलब का फंस गया, इसको तो कभी जिंदगी में मैंने इनके आसपास नहीं देखा था, लेकिन उस दिन गाड़ी में बैठ के इन्होंने वीडियो बनाई, ये तो बेमतलब का मूत पी लिया मेरा। ये तीसरे को देखिए, हाथ जोड़े हुए, ये गंडवे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत ये हैं वो हैं, लेकिन चेहरे देख रहे हो आप लोग। अबे यार, ताकतवर हो, खुश हो तो खुशी दिखाओ, तो बोल मुंह से दिखा रहे हो कि मैं ताकतवर हूं और आंखों से चेहरे से गांड फटी पड़ी दिख रही है, ये कैसी खुशी भाई। मुझे देखा था, मैंने जब मूंदा था तुम्हारे चेहरे पे तो कितनी खुशी थी मेरे चेहरे पे, क्या चमक था। और तुम लोग ने मेरा ही चीज किया हुआ कॉपी करने के बाद भी ठीक से नहीं कर पाए। कल रात को, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने वीडियो बनाई है, कल रात को एक भाई ने, सरफराज भाई हैं दिल्ली से, उन्होंने एक फोटो भेजा मेरे को, बोला विनय ये फोटो देखो। मैं बोला यार कड़क है, तो बोले ये आपकी बहन है? मैं बोला हाँ, मेरी बहन। मैंने बाप को फोन लगाया रात को 1 बजे, मैंने बोला पापा ये कब खेले आप, 35 साल की उम्र हो गई मेरी, हमने तो सिर्फ भाई भाई ही देखे अपने घर में, क्योंकि मेरी कोई बहन ही नहीं है, ये कब कांड किया बाप ने मेरे। बाप हंस रहा था, ये मेरी बहन दिखा दिखा के शेर बन रहे थे। यार वो किसी घर की लड़की होगी, वो मुझे देखने के बाद पता चला कि जो साड़ी के अंदर एक फोटो होता है, एक मॉडल वो वही सेम कपड़ा पहन के दिखाता है, ड्रेस में होता है लड़की, लोगों को पता होगा ये चीजों को, उसी में से किसी की फोटो उठाई, बगल में विनय दुबे का फोटो चिपका दिया, उसको बहन बना के शेर बने पड़े हैं। भाई तेरे को उसके साथ जो करना है ना, बिंदास कर, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि जिस तरह से छिनाल तेरा यति महाराज है ना, उससे तुम्हारी भी औकात समझ में आती है। तुम लोग अलग क्या कर लोगे रे, महिलाओं के पीछे जाके छुपके लड़ने वाले तुम लोग, तुमसे क्या मर्दानगी का हम लोग हिसाब रखेंगे। तेरे को पूरी छूट है भाई, तूने दिखाया फोटो, जा इंजॉय, मेरे कम से कम बैकग्राउंड तो निकाल। विनय दुबे कितने भाई बहन है, अरे विनय दुबे सिर्फ भाई भाई है, बहन नहीं है हमारे पास। इस देश की सारी महिलाएं, सारी जिन्हें फील होता है कि वो विनय दुबे की बहन बन सकती है, वो मेरी बहनें हैं। शायद तेरी माँ भी ना मेरी बहन ही लगेगी, यति नरसिंहानंद की माँ तो मेरी बहन है, वो पक्का है, और जिसको मेरी बहन, वो जाके यति नरसिंहानंद की माँ से मिल ले, वो मेरा भांजा है, यति नरसिंहानंद भांजा है मेरा, वो जाए, जिसको भी मेरी बहन की लेनी है यति नरसिंहानंद को पूछे उसकी माँ कहाँ मिलेगी, चले जाए। यहां तो सिर्फ भाई भाई चल रहा है भाई, बहन तो है ही नहीं, ये कलाई हमेशा सुनी रह जाती है।
हर साल, आज 35 साल से तो कभी ना देखा मैंने। होता है तुम जैसे हिजड़े ना, मुझे तो कायर लगते हो यार। कभी विनय दुबे को देखा है क्या कि तुम्हारी माँ को टारगेट करके गाली देते हुए, कि तेरी बहन को बीच में लाके गाली देते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि विनय दुबे मर्द है, इंसान, मर्द मर्द लड़ाई करते। लेकिन मुझे अब अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि मैंने किन किन चूतियों के सामने अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। ऐसे लोग जो ठीक से लड़ भी नहीं पा रहे, विनय दुबे अकेला, वहां पांच पांच लोग हैं फिर भी नहीं लड़ पा रहे। जो चीज मैं कर दिया, तुम्हारे मुंह पे पेशाब कर दिया, इससे पहले तुम लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये खोपड़ी की उपज होती है। अगर मुझे तुम्हारी गांड मारनी है, तुम्हारी बेइज्जती करनी है, तो मैं कुछ नया निकालूंगा, कॉपी नहीं करूंगा किसी का तुम्हारे जैसे। और तुम मेरा ही कॉपी करके, मैंने पहले प्रिंट निकाला, फोटो पे गया, तुम्हारे मुंह दिया, तुमने क्या नया किया? तुमने मेरी फोटो निकाली, गए मुंह दिए, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? अरे विनय दुबे का ही चुराया तुम काम कर रहे हो, विनय दुबे का ही स्क्रिप्ट, विनय दुबे की ही तरीके इस्तेमाल कर रहे हो भाई। तो ये बता, बाप कौन हुआ? मैंने जो किया वो तुमने कॉपी किया, तो बाप कौन हुआ? मतलब मेरे जुबान में, मेरी वीडियो में इतनी ताकत है कि पांच पांच लोगों की गांड जला सकती है, उनके फॉलोअरों की गांड जला सकती है, और सबसे बड़ा चीज, इन सबको कुत्ता बना के दो दिन तक डिस्टर्ब रखा। मैं आराम से इसी रूम में सोया था पेशाब करके, ये भागे पड़े तड़प रहे एकदम, क्या ऐसा कर दे कि विनय दुबे की बेइज्जती हो जाए? लौड़ा बेइज्जती कर पाए, झाट बेइज्जती कर पाए, मेरा बेइज्जती हुई होती तो ये चेहरे पे मुस्कान ना दिख रही होती। देख चमक, देख चेहरे की मुस्कान, देख आंखों की रोशनी, देख। इसको बोलते हैं सुख पाना, चरम सुख, जो तेरे पे पेशाब करने पे आया था। तुम लोग तो कुछ कर नहीं पाए यार, ऐसे लड़ोगे? यति महाराज ने क्या हिजड़ों की फौज बना रखी है? भोसड़ी वाले ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। तुम लोगों को देख के ना अभी समझ में आ रहा है यति जो भोसड़ी वाला है ना, वो कितना बड़ा शेर होगा। और तुम आओगे मर्दों से लड़ने के लिए, मेरा झाट भी फेंक दू ना तो तीन दिन तक उस झाट में तुम लोग उलझे रहोगे। तुम पांचों, दसों, पंद्रह, तेरे जितने फॉलोवर है सब, तुम्हारी तो औकात ही है यार। कुछ अलग यार, कुछ विनय दुबे टाइप में करो, दिखाओ लोगों के कि तुम्हारे अंदर ताकत है। कायर हो साले, किसी भी साड़ी में से एक फोटो निकाल लिया मॉडल का, दिखा दिखा के, ओहो इतना कमजोर इंसान यार, इतना कमजोर कि अपने आप को जीतता हुआ, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए किसी भी घर की लड़की को उठा के दिखा दोगे? दिखाओ, और 10 लड़कियों को दिखाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी जो औकात है ना वो दुनिया देख रही है। अरे कम से कम पता तो कर लेते कि विनय दुबे की बहन, अरे बहन आज तक बाप ने पैदा ना करी तो तू कहां से ले आया भाई? और तुम्हारे फॉलोअर को चूतिया बना, वो खुश होते होंगे, विनय दुबे की बहन, विनय दुबे की बहन। करो, खुश रहो, खुश रहो, बिंदास, कोई दिक्कत ना है। मेरी बहन जो है ना, उसने यति नरसिंहानंद भोसड़ी वाले को जैसे संडास को पैदा किया है, मेरी बहन है वो। और जिसको मेरी बहन चाहिए ना, यति महाराज से मांग ले वे जाके तुरंत, उसकी जो माँ है ना वो मेरी बहन है। ये यति भोसड़ी वाला मेरा भांजा, जिसको भी मेरी बहन खोदनी है ना, यति महाराज से जाके ले ले वे, बोल तेरी माँ चाहिए, हमें विनय दुबे की बहन खोदनी है। मैं तुरंत यति को बोलता हूँ, सबको एड्रेस दे भोसड़ी वाले, मेरी बहनों को खोजा जा रहा, जाए तुरंत, जाए यति महाराज के घर पे जाए। तुम जैसे ना झाट के बाल रोज उगते, और रोज विनय दुबे उसे काट के ना क्लीन कर देता है। उपदेश राणा जैसा भोसड़ी वाला, जो मिलियन फॉलोवर का लेके बैठा था, वो आज तक विनय दुबे का झाट ना उखाड़ पाया। और तुम भोसड़ी के 3-4 हजार, 5 हजार लाइक, वीडियोस, व्यूज देखने वाले लोग, तुम उलझोगे विनय दुबे से? अरे वो तो मैंने अपना समय बर्बाद किया यार तुम्हारे ऊपर। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी क्या चूतियागिरी कर रहा हूं ये लोग। लेकिन होता है, थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए होता है, देश को भी थोड़ा सा सीरियस टॉपिक से हटके कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो तुम लोग जैसे बैठे हो ना भोसड़ी वाले, तुम्हारे गांड में उंगली किया तो फड़फड़ाने लगते हो, मुंह पे झाट का बाल मारा तो 5 दिन तक उसमें उलझे घूमोगे। तो करते रहो, विनय दुबे बनने के लिए ना भी तुम अंडे में हो रहे गांडू हो। विनय दुबे बाप है, बाप, और हमेशा साबित किया है। तुम्हारे गांड में दम रहेगा ना, मुझे जिस दिन गुस्से में देखोगे ना, उस दिन समझ लेना कि तुमने विनय दुबे के यहां पे टच कर लिया। अभी तुम लोग ना गोटे पे अटके हुए हो, मेरे गोटे पे,
तो थोड़ा ताकत लगाओ यार, दम लगाओ, कुछ ऐसा करो कि विनय दुबे को तकलीफ होवे, विनय दुबे को लगे कि यार यार ये मेरी बेइज्जती हो गई। तुम झाट के बालों की ना औकात नहीं है, तुम्हारी औकात मेरे मूत के बूंद के बराबर है। मजा आया, स्वाद आया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।